देखो नोट्स और एग्जांपल्स। देखो नंबर वन, वी हैव द डेफिनेशन ऑफ द ऑर्बिट एंड वी हैव द डेफिनेशन ऑफ द ट्रांजिटिव एक्शन। देखो ऑर्बिट की डेफिनेशन आएगी तभी आप ट्रांजिटिव एक्शन की डेफिनेशन जान पाओगे। यहाँ पे नोट्स देखो, वी हैव द डेफिनेशन ऑफ ऑर्बिट एंड वी हैव द डेफिनेशन ऑफ ट्रांजिटिव एक्शन। फर्स्ट, जी एक्ट ऑन अ सेट ए, देन एनी सब ग्रुप ऑफ जी ऑल्सो एक्ट ऑन अ सेट ए, देन एनी सब ग्रुप ऑफ जी ऑल्सो एक्ट ऑन द सेट ए। इसको आप प्रूव भी कर सकते हो, इसको आप इजिली प्रूव भी कर सकते हो। कोई जी ए एक्स ए पे एक्ट कर रहा है तो ये कंडीशन होल्ड हो रही होगी, है ना, ये कंडीशन होल्ड हो रही होगी एंड ई डॉट ए इज इक्वल टू ए। अब अगर मैं कोई एच ले लूँ जी का सब ग्रुप, कोई एच ले लूँ जी का सब ग्रुप, तो एच अगर सभी जी के एलिमेंट के लिए ये होल्ड हो रहा है तो ये एलिमेंट एच में भी होंगे तो एच के एलिमेंट के लिए भी होल्ड हो रहा होगा। सिमिलरली यहाँ पे सेकंड वाला ई जो है जी का एलिमेंट है, आइडेंटिटी है, यही ई जो है हमारे सब ग्रुप की भी आइडेंटिटी होती है तो यहाँ सब ग्रुप के लिए भी होल्ड होगा। सो दियर फोर वी कैन से अगर जी किसी सेट पे एक्ट करता है तो उसका सब ग्रुप भी उस सेट पे एक्ट करता है। बट इफ जी इज ट्रांजिटिव देन सब ग्रुप ऑफ जी नीड नॉट टू बी ट्रांजिटिव। अगर भाई ग्रुप ट्रांजिटिव है, इट मीन्स जो एक्शन हमने यहाँ पे डिफाइन किया है वो ट्रांजिटिव एक्शन है, तो जरूरी नहीं है जो सब ग्रुप के लिए हम लिख रहे एक्शन वो भी आपका ट्रांजिटिव ही हो। फॉर एग्जाम्पल, हियर एक एग्जाम्पल देख लेते हैं इसका। सपोज एच इज द सब ग्रुप ऑफ जी, ठीक है, एच इज द सब ग्रुप ऑफ जी एंड जी इज टेकिंग, हियर मैं जी ले रहा हूँ एच फोर, ठीक है, जी मैं ले रहा हूँ एच फोर एंड आई एम टेकिंग एच इज द एच इज द सब ग्रुप ऑफ जी विच इज जेनरेटेड बाई 1, 2 and 3, 4, ठीक है, एच इज जेनरेटेड बाई 1, 2 and 3, 4। सो हियर आप देखो जरा, एस फोर जो है, एस फोर इज एक्ट ऑन ए 1, 2, 3, 4, ठीक है, एक्स फोर इज एक्ट ऑन ए सेट ए। अब देखो जरा, ये एस फोर जो है आपका ट्रांजिटिव होगा, पहले तो आप ये देख लो, ये एस फोर जो है आपका ट्रांजिटिव होगा। इट मीन्स ये ट्रांजिटिव होने का मतलब क्या हुआ कि क्लास ऑफ या ऑर्बिट ऑफ ए लिखेंगे, क्लास ऑफ या ऑर्बिट ऑफ ए, ऑर्बिट ऑफ एन एलिमेंट ऑफ ए, ये क्या होता है भाई, जी डॉट ए सच दैट जी बिलोंग्स टू एच फोर होगा, है ना। तो पहले हम ये देख लेते हैं, जी जो जो एच फोर होगा इट इज एक्ट ऑन अ ए एंड एच फोर इज द ट्रांजिटिव। अगर ये एच फोर ट्रांजिटिव है तो ऑर्बिट में कितने एलिमेंट होने चाहिए, ऑर्बिट में सारे ए के एलिमेंट आने चाहिए। तो लुक हियर, तो मैं क्या कर रहा हूँ, ऑर्बिट ऑफ वन लिख रहा हूँ, ठीक है, ऑर्बिट ऑफ वन। तो अगर मैं ऑर्बिट ऑफ वन लिख रहा हूँ तो यहाँ पे देखो, ऑर्बिट ऑफ वन में कैसे एलिमेंट होंगे, g डॉट वन सच दैट g बिलोंग्स टू एच फोर। अब आगे देखो जरा इसको, ऑर्बिट ऑफ वन इज इक्वल टू g। अब ये g जो है एच फोर का है तो एच फोर में कैसे एलिमेंट होंगे, सिग्मा टाइप के, सिग्मा डॉट वन सच दैट सिग्मा बिलोंग्स टू एच फोर। नाउ जो यहाँ पे ग्रुप एक्शन डिफाइंड है, ऑफकोर्स यूजुअल ग्रुप एक्शन है ऑन एच फोर परमिटेशन पे, तो परमिटेशन में जो यूजुअल एक्शन होता है सिग्मा डॉट आई इज ऑलवेज इज इक्वल टू सिग्मा आई, ठीक है, ये ध्यान रखना है। सो दिस इज सिग्मा ऑफ वन एंड सिग्मा बिलोंग्स टू एच फोर। तो ऑर्बिट ऑफ वन मैं लिखना चाह रहा हूँ, ध्यान से देखना, ऑर्बिट ऑफ वन
अब देखो, ऑर्बिट ऑफ वन मैंने लिखा, सपोज मेरा सिग्मा जो है, सिग्मा किसका होना चाहिए, S4 का सिग्मा, अगर आइडेंटिटी परमिटेशन है तो सिग्मा ऑफ वन जो होगा क्या होगा, आइडेंटिटी, और आइडेंटिटी की मैप जो वन की मैप वो होती है वो वन में जाती है, ठीक है। तो सिग्मा डॉट वन जो है वो वन आ रहा है, सिग्मा डॉट वन करने पे जब सिग्मा आया, ये आइडेंटिटी ले रहा हूँ तो ये बन रहा है, तो ये वन जो है इसमें आ रहा है, ठीक है। अब मैंने क्या किया, आई जस्ट टू क्लियर सिग्मा इज इक्वल टू 1 2, क्योंकि S4 में 1 2 भी है, प्रोवाइडेड हमें जो है ये सिग्मा लेने हैं S4 के ही लेने हैं। तो सिग्मा मैंने ले लिया 1 2, तो सिग्मा जैसे मैंने 1 2 लिया तो सिग्मा, देखो सिग्मा ऑर्बिट ऑफ वन देखना है ना, सिग्मा वन ले रहा हूँ तो सिग्मा वन क्या होगा, 1 2 ऑफ वन। तो अब देखो जरा यहाँ पे, जस्ट वाई गो टू फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, वन का इमेज वन है, वन का इमेज टू है, तो अंडर दिस सिग्मा, अंडर दिस परमिटेशन वन की इमेज क्या आ रही है, टू आ रही है, बिकॉज यहाँ पे देखो वन की इमेज वन है, वन की इमेज यहाँ पे टू है, तो फाइनल टू आया, तो वन की इमेज टू आ रही है अंडर दिस परमिटेशन, सो यहाँ पे आपका सिग्मा वन आया टू, तो मैंने टू भी लिख दिया। नाउ आई एम जस्ट टू गियर सिग्मा इज इक्वल टू 1 3, बिकॉज 1 3 ऑल्सो बिलोंग्स इन द S4, ठीक। अब S4 में 1 3 है, तो अगेन आप देखो सिग्मा वन करो इसको, तो ये क्या होगा, 1 3 1, तो वन का इमेज वन है, वन का इमेज थ्री है, तो ये थ्री आएगा, तो थ्री भी आ रहा है। लाइक वाइज अगर सिग्मा इज इक्वल टू 1 4 लो तो इट विल बी 4। तो ऑर्बिट ऑफ वन में सारे एलिमेंट आ गए, तो आप ऑर्बिट ऑफ टू, ऑर्बिट ऑफ थ्री, ऑर्बिट ऑफ फोर निकालने की जरूरत नहीं है, बिकॉज वो इसी के इक्वल होंगे, बिकॉज वी नो द क्लासेस आर आइदर आइडेंटिकल और डिसजॉइंट। सो ऑर्बिट ऑफ वन इज इक्वल टू ए, है ना, ए की ऑर्बिट है इसके पास, डियर फोर S4 इज ट्रांसिटिव, ठीक। नाउ देखो दूसरा, अब ये तो पता है भाई, ये जो एक्शन होगा, ये जो एक्शन होगा इट इज ऑल्सो द एक्शन ऑफ एच, ये मेरा एक्शन जो होगा एच का भी होगा। अब ये हमें देखना है क्या ये भी ट्रांजिटिव होगा, लेकिन हमारे ये नोट्स में कह रहा है नीड नॉट टू बी ट्रांजिटिव, सो लेट्स सी। अब आपका एच क्या है, 1 2 और 3 4 है, सो एच आपका है, आपका एच इज जनरेटेड बाई 1 2 एंड 3 4, सो इट मीन्स इट हैज आइडेंटिटी एलिमेंट, है ना, इट हैज 1 2, इट हैज 3 4, एंड इस स्क्वायर स्क्वायर करेंगे वो आइडेंटिटी आएगा, एंड इस मल्टीप्लीकेशन यानी 1 2 एंड 3 4, दीज आर द ओनली एलिमेंट ऑफ दिस एच। दिस एच एक्ट ऑन, दिस एक्ट एक्ट ऑन द सेट ए हैविंग द एलिमेंट 1 2 3 4, ये तो एक्ट कर ही रहा है। नाउ वी हैव टू चेक हियर वेदर दिस एच इज ट्रांजिटिव और नॉट। सो ट्रांजिटिव के लिए जस्ट आई एम चेकिंग हियर द ऑर्बिट ऑफ वन, फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ वन करूँगा, क्योंकि ऑर्बिट जो होते हैं ना इसके एलिमेंट से के लिए दिखते हैं हम सेट के, तो ऑर्बिट ऑफ वन, ठीक। ऑर्बिट ऑफ वन क्या होगा, सिग्मा वन सच दैट सिग्मा बिलोंग्स टू एच। अब यहाँ पे S4 नहीं है, एच है, तो अब देखो जरा सिग्मा ऑफ वन, पहले तो आई थिंक अबाउट द आइडेंटिटी मैप, सिग्मा अगर आइडेंटिटी है तो यहाँ पे जब हम इसके एलिमेंट लिखते हैं ना ऑर्बिट ऑफ वन के, तो हम ग्रुप के सारे एलिमेंट को थिंक करते हैं, S4 के सारे एलिमेंट को सोचते हैं, और ऐसे सोचते हैं कि भाई इसमें किस, इसके अंडर में वन की जो मैपिंग है इनमें से कौन से आ रहे हैं, ये नहीं कि आप 5 में जाओ 6 में जाओ, ओनली हमें 1 2 3 4 में देखना है। तो अंडर दिस परमिटेशन वन की इमेज क्या आगे आ सकती है, तो फर्स्ट वन के लिए सोचते हैं, तो भाई अगर सिग्मा जो है आपका आइडेंटिटी है
तो आइडेंटिटी मैप जो होगा वो वन को वन पे सेंड करेगा। सो यहाँ पे ऑर्बिट ऑफ वन में वन तो आएगा, ठीक है। अब हम वहाँ पे एच फोर था, यहाँ पे एच है, तो ओनली हमें इन्हीं एलिमेंट्स को लेना है, इसके अलावा हमें कुछ नहीं लेना है। सिग्मा विल बी दी वन ऑफ दीज। तो अब देखो सिग्मा वन, अब मैंने क्या किया, सिग्मा को मैं दूसरा एलिमेंट ले रहा हूँ, सपोज वन टू, सिग्मा को मैंने लिया वन टू, तो वन टू ऑफ वन, वन का इमेज अंडर दिस परमिटेशन क्या आ रहा है, टू आ रहा है, तो इसमें टू भी आएगा, है ना, इस ऑर्बिट में टू भी आएगा। अब इसके लिए चेक कर लिया, नाउ थ्री फोर के लिए चेक करो ये कब हो रहा है, वेयर सिग्मा इज इक्वल टू आप वन टू। अब सिग्मा थ्री फोर के लिए चेक करो, तो थ्री फोर के लिए अगर मैं कर रहा हूँ थ्री फोर ऑफ वन, तो ये वन ही आ रहा है, क्योंकि वन का इमेज वन है, यहाँ पे वन दिख नहीं रहा है, तो इट मीन्स वन का इमेज वन ही होता है, सो इट इज वन। तो वन ऑलरेडी आ चुका है। एंड फाइनल इसको लिए देखो जरा, अंडर वन, अंडर दिस परमिटेशन वन का इमेज जो होगा वो टू आएगा, टू ऑलरेडी आ चुका है, तो हमारे पास ऑर्बिट ऑफ वन जो आ रहा है वन टू आ रहा है, तो ऑर्बिट ऑफ टू भी यही आएगा। नाउ ऑर्बिट ऑफ, जब आप थ्री करोगे, ऑफकोर्स आप कर लेना, ऑर्बिट ऑफ थ्री जो आएगा वो आपका आ जाएगा थ्री एंड फोर। ऑर्बिट ऑफ थ्री आप करेंगे वो आएगा थ्री एंड फोर। ऑफकोर्स ऑर्बिट ऑफ फोर भी, क्योंकि फोर इसमें इंक्लूड है, तो ऑर्बिट ऑफ फोर भी थ्री एंड फोर ही आएगा। सो अब दिख रहा है यहाँ पे, है ना, तो ऑर्बिट ऑफ वन वन टू आया, ऑर्बिट ऑफ थ्री थ्री फोर आया, बोथ आर डिस्टिंक्ट ऑर्बिट, सो एच इज नॉट ट्रांजिटिव, सॉरी एच जो है एक्ट कर रहा है ये पे, बट एच इज नॉट ट्रांजिटिव, ठीक है। तो ये हमारा था नोट वन। सो बाकी नोट्स हम करते हैं कल, है ना, कल कर लेते हैं बाकी। तो इससे रिलेटेड आप क्वेश्चन देखो और करो।